थैंक यू रिटी, अब तुम जा सकते हो। यही देखा था ना आप लोगों ने पेपर में? नील, लेकिन ये सच नहीं है। प्लीज रिया, एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। कितनी आसानी से आप लोगों ने रिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बीवी पे इल्जाम लगाया था। क्या गलती थी उसकी? बीमार थी, कमजोर थी। अगर कमजोरी की हालत में उसने अपने अपने बेस्ट फ्रेंड को बुला लिया तो क्या हर्ज कर दिया? क्या गलती कर दी उसने? और आप लोगों ने उस पर बच्चलन होने का इल्जाम लगा दिया। पुत्र, ऐसी बात नहीं थी, ये तो क्या कह रहा है? नहीं बेबे, बेबे आप तो इस घर की सबसे बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप सबसे समझदार हैं इस घर में। मॉम बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं तो आप उन्हें ताने मारती हैं ना। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने वही नहीं किया? आपने भी वही किया जो मॉम करती है, एग्जैक्टली द सेम। वो मूर्ति देख रही हैं आप ही लेके आई थी ना अनन्या के लिए? आज उनके सामने अपने दिल से पूछिए और बताइए, क्या आप लोगों ने बेचारी अनन्या के साथ गलत नहीं किया? बोलिए मॉम। बेबे, क्या किसी भी औरत से अग्नि परीक्षा मांगना सही है? लेकिन बेटा, अग्नि परीक्षा तो हमेशा औरत को ही देनी पड़ती है ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना घर छोड़ के वापस यहाँ पे आई और अपने पति का साथ नहीं दे पाई, क्या वो गलत नहीं होगा? क्या आपने वो गलती नहीं की? मैडी बुआ, आप भी तो एक औरत हैं। मेरे पापा ने समाज की परवाह नहीं करके आपसे बिना क्वेश्चन किए आप पे विश्वास किया, आपको घर में रखा क्योंकि वो आपके भाई हैं। अपने भाई होने का फर्ज निभाया उन्होंने। क्या हमने आपसे अग्नि परीक्षा मांगी? नहीं। अनन्या से क्यों, मुझसे क्यों नहीं? अगर आप लोग चाहते तो मुझे दो चाटे मार देते और सच्चाई पूछते, क्यों नहीं पूछा? बोलिए, जवाब दीजिए। गलती मेरी भी तो हो सकती थी, अपनी बीवी पे शक करने की गलती, एक पराई औरत के साथ ये सब करने की गलती। आपने मुझसे क्यों नहीं क्वेश्चन किया? कोई सवाल मुझसे क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि मैं एक मर्द हूं, हम वो एक औरत, इस वजह से? बेबी मुझे आप जवाब दीजिए, क्या एक औरत की इज्जत एक मर्द की इज्जत से सस्ती होती है? नहीं। अली और अनन्या वो बचपन के दोस्त हैं, अगर किसी वक्त अग्नि को जरूरत पड़ गई अपने बचपन के दोस्त की तो अली आ गया तो क्या हर्ज हो गया? उसने क्या गलती कर दी? वो दोस्त जिसे अनन्या की तकलीफ नहीं देखी गई और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो यहाँ पे आ गया अनन्या की मदद करने, सिर्फ मदद करने, दैट्स इट। क्योंकि वो एक लड़का था और अनन्या एक लड़की, और जैसे फिल्मों में कहा जाता है कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ये सब बेकार की बातें हैं। असल जिंदगी में एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है, और वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बड़े प्यार से कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। आज आप सब लोगों की वजह से मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, मुझे शर्म आती है आप लोग अपना परिवार कहते हैं। मुझे माफ कर दो पुत्र, मेरी बुरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो पुत्र। बेबी अगर आपको माफी मांगनी है ना तो उस इंसान से मांगिए जिसकी आप सब लोग गुनहगार हैं। अपने घर की इज्जत को वापस ले आइए बेबी। बस ना पुत्र, और नहीं, अब तो मेरी बहू को फोन कर और उसे फटाफट ले आ घर, पूछ तो सही वो है कहाँ। नीलमा की इतनी मिस कॉल्स। हेलो, व्हाट?